सुशांत सिंह राजपूत के सो कॉल्ड सुसाइड मामले में हर रोज कुछ ना कुछ नई बातें सामने आ रही। इस केस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी बीते शुक्रवार को भी सामने आई। देश के एक सबसे बड़े न्यूज चैनल ने इस मामले की पड़ताल में एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया, जिसमें पता चला कि सुशांत की एक व्यक्तिगत यानी पर्सनल डायरी थी जिसके कुछ पन्ने फटे हुए पाए गए थे। इसके अलावा जिस पंखे पर सुशांत ने कथित तौर पर खुद को लटकाया था वह पंखा भी ज्यादा मुड़ा हुआ नहीं था। ये बात एक फोरेंसिक एक्सपर्ट ने कही। चैनल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूछा जा रहा है कि इस पूरे केस की छानबीन में कोई सस्पिशियस चीज़ें मिली। इस पर एक्सपर्ट ने जवाब दिया कि उन्हें एक डायरी मिली जिसके कुछ पन्ने फटे हुए थे। दरअसल पहले पेज पर बीमारी का नाम था लेकिन उसके आगे के 3-4 पन्ने गायब हैं। पता नहीं वह क्या हो सकता है और किसने वह पन्ने फाड़े होंगे, ऐसा कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ये चीज़ उन्होंने अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट में लिखी है। इसके अलावा उन्हें कोई खून के धब्बे नहीं मिले और ना ही वह पंखा मुड़ा हुआ मिला जिस पर सुशांत को लटका हुआ पाया गया था। यह फटे हुए पन्ने की डायरी तो सीबीआई के हाथ लग चुकी है और वह इस बारे में सुशांत के करीबी दोस्त सिद्धार्थ पठानिया से पूछताछ भी कर चुके हैं। अपने बयान में सिद्धार्थ ने पहले तो उन्हें कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो पन्ने किसने फाड़े, लेकिन बाद में उन्होंने खुद बताया कि सुशांत अक्सर अपनी डायरी के पन्ने फाड़ दिया करते थे जब उन्हें कोई बात अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन अभी तक पंखे के ज्यादा ना मुड़े होने की कोई छानबीन नहीं हुई है। ये पूरा मामला 14 जून को शुरू हुआ जब सुशांत को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में कथित रूप से पंखे पर लटका हुआ पाया गया था। पहले ही इस केस की छानबीन मुंबई पुलिस कर रही थी और अब लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है। फिर सुशांत के होम टाउन बिहार पुलिस ने इसकी छानबीन शुरू की, हालांकि उन्होंने पूरे में मुंबई पुलिस का कोई सहयोग ना होने की बात भी कही थी, जिस वजह से वो मुंबई में छानबीन नहीं कर पा रही है। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए आईबीएन भारत के साथ सुशांत सिंह राजपूत की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और हम आपको सुनाते हैं आखिर उस फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने अपनी बात में क्या कहा।